हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपब्राइट एजुकेशन में। तो आज हम लेके आ रहे हैं जीएस के क्वेश्चन सीरीज, जो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें जीएस के। तो आप इसको चेक कर सकते हैं आपके आंसर वगैरह। तो इसमें शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका जीएस का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? जो शिवाजी महाराज थे उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? पहला है 1674, दूसरा है 1680, तीसरा है 1670 और चौथा आपका 1664। इसका आंसर होगा शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ये हुआ था आपके रायगढ़ के किले में। ठीक है, कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में हुआ था और यहीं पे शिवाजी ने उपाधि ली थी, किसकी? छत्रपति की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1829, 1856, 1844 या 1929? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। ठीक है, किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से शुरू हुआ था। 1856 में विधवा अधिनियम पारित हुआ था। 1829 में पारित हुआ था कौन? सती प्रथा विरोधी अधिनियम। ठीक है, 1829 में हुआ था सती प्रथा विरोधी अधिनियम। ठीक है, 1844 में, 1844 में नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया था। नर बलि प्रथा समाप्त, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था कानूनी रूप से। 1844 में नर बलि प्रथा को खत्म किया था और 1829 में आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? बालिकाओं की शादी की उम्र को क्या कर दिया था? 14 साल कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वह है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत के किस युद्ध के उपरांत खत्म हो गया था? जो फ्रांसीसी थे भारत में, उनका प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टम, वाणीवास, प्लासी और बक्सर। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, वाणीवास के युद्ध के बाद इनका क्या हो गया था? प्रभुत्व खत्म हो गया था। इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली, तो अब ये अंग्रेज में यहाँ पे क्या अपनी सेना वगैरह नहीं रख सकते, खाली इनको क्या यहाँ पे व्यापार करने का क्या अधिकार था इनको, फ्रांसीसों को, और सारे अधिकार किसके पास आए थे? अंग्रेजों के पास आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध का विजेता कौन था? क्लाइव, हेक्टर मुनरो, स्टुअर्ट और मीडोज। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। उसका जो विजेता था अंग्रेजी सेनापति वो था आपका कौन? हेक्टर मुनरो। ठीक है, क्लाइव उसके बाद आया था भारत 1665 में, और इसको इसने था फिर इलाहाबाद की संधि की थी क्लाइव ने, कहाँ पे? 1665 में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, एम एन जोशी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और दीवान चमनलाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जब बनी थी 1920 में, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, एम एन जोशी कौन थे? एम एन जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे। और दीवान चमनलाल कौन थे? दीवान चमनलाल इसके थे महामंत्री, प्रथम महामंत्री कौन थे इसके 1920 में? दीवान चमनलाल। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है आपका, भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट को माना जाता है? किस वर्ष के एक्ट को भारत में उत्तरदायी शासन का, तो कौन सा एक्ट भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात है? भारत सरकार अधिनियम 1900, इसका आंसर होगा 19। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन का क्या था? ये सूत्रपात। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाएं। जो ये घटनाएं हुई इनका सही क्रम क्या है? कार्नवलिस कोड, नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट और पिट इंडिया एक्ट। पहली कौन सी घटना हुई थी? पहली घटना हुई थी आपकी कौन सी? नॉर्थ कार रेगुलेटिंग एक्ट, तो पहले ये हुआ था पहले नंबर पे। ठीक है, फिर कार्नवलिस कोड, सॉरी, फिर दूसरी बार आया था पिट इंडिया एक्ट। ठीक है,
फिट्स इंडिया एक्ट आया था दूसरे नंबर पे 1881 में, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। और जो कार्नेवलिस कोड था ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये घटनाएं अंग्रेजी शासन के दौरान हुई थी, पहले नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर फिट्स इंडिया एक्ट, फिर कार्नेवलिस कोड। ब्रह्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919, 1909 और 1947। ब्रह्मा जो आज का क्या है, म्यांमार है, उसको किससे अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली, मेरठ, कानपुर और लखनऊ। 1857 की क्रांति शुरू होती कहाँ से? मेरठ से। मोपला विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? ये कृषकों का विद्रोह था, मुसलमान कृषक थे, उनका विद्रोह था मोपला। तो ये आपका किस राज्य में शुरू हुआ था, किस राज्य में हुआ था? ये आपका हुआ था केरल में। ठीक है, अगला है आपका, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या चंपारण आंदोलन? तो किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली। ठीक है, ये बारदोली प्रिंट हुआ, इसको बारदोली है। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने, इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने मिराज उल अकबर, राजा राम मोहन राय ने मिरात उल है मिराज उल नहीं मिरात उल अकबर ठीक है मिरात उल अकबर किस भाषा में प्रकाशित किया? जो राजा राम मोहन राय का अखबार था मिरात उल, ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या फारसी? ठीक है, तो ये हुआ था आपका किस भाषा में, इसका आंसर हो जाएगा आपका फारसी भाषा में। ठीक है, तो फारसी भाषा में ये अखबार क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था? निम्न में से कौन सा प्रथम हिंदी का समाचार पत्र था? ठीक है, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड, बंगाल गजट या समाचार दर्पण? तो जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वो था आपका उदंत मार्तंड। ठीक है, ये जो ये समाचार दर्पण था ये बांग्ला का पहला साप्ताहिक अखबार था, बांग्ला भाषा का फर्स्ट वीकली साप्ताहिक साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, बंगाल गजट ये भारत का प्रथम अखबार था, ये अंग्रेजी भाषा में था। फर्स्ट अखबार किसका? भारत का। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। दिग्दर्शन बंगाल का पहला बांग्ला का फर्स्ट मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका। समाचार दर्पण भी बांग्ला का था लेकिन पहली साप्ताहिक थी, और दिग्दर्शन क्या था? बांग्ला का फर्स्ट मासिक पत्रिका। और हिंदी का कौन था? उदंत मार्तंड। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है? सैडलर आयोग, रॉयल कमीशन, राधा कृष्णन आयोग और कोठारी आयोग? निम्न में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये आपका रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन आया था 1928 में, इरविन के द्वारा लाया गया था, ये 1928 में आया था। ये किसके से संबंधित था? कृषि से संबंधित था रॉयल कमीशन। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? जो उस टाइम भारत का क्या था, वॉइसरॉय था इरविन, उसके द्वारा। ठीक है, बाकी जो सैडलर आयोग था ये भी शिक्षा से संबंधित था, ये किसके लिए था? विश्वविद्यालय, 1917 में आया था, तो विश्वविद्यालय के लिए था, ये यूनिवर्सिटी के लिए। राधा कृष्ण आयोग ये आपका नवंबर 1948 में था, ये भी उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा के लिए था, 1948 में आया था नवंबर। और जो अगला था कोठारी आयोग, ये जुलाई 1954 में आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित था 1954। इसमें जो रॉयल कमीशन है ये शिक्षा से संबंधित नहीं था। निम्न में से कौन प्रसिद्ध नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? निम्न में से कौन प्रसिद्ध नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? ठीक है, आपके ऑप्शन है
बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर कांग्रेस के क्या थे, प्रसिद्ध नेता थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, फिरोज शाह मेहता 1880 में बन गए थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता कब थे अध्यक्ष, 1880 में। तो जब ये अध्यक्ष बने थे तो उसी टाइम प्रथम भारतीय महिला है जिसने क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या अधिवेशन में भाषण दिया था, वो थी कादम्बरी गांगुली। तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उस टाइम अध्यक्ष थे आपके कौन, फिरोज शाह मेहता। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं 1905 में, जब कांग्रेस का क्या हो जाता है, जब बंगाल का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन के दौरान कौन थे, 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय बनते हैं 1918 में। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे, कांग्रेस का अध्यक्ष, कभी भी नहीं बन पाए। फिर आप पॉलिटी के क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 16वां, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 या 9 दिसंबर 1946। जो हमारी संविधान सभा थी जिसने हमारा संविधान का क्या किया है लिखा है, उसने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया, तो ये अपनाया था इन्होंने 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या, 24 जनवरी 1950 को इन्होंने अपनाया था राष्ट्रीय गीत। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को क्या संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट बैठक का हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तिरंगा को, ये अपना अपनाया 22 जुलाई 1947। संविधान सभा के अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का ही, 17वां, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उपसमिति, समिति नहीं है, उपसमिति। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, एच सी मुखर्जी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेवी कृपलानी। जो एस सी मुखर्जी थे ये अल्पसंख्यक की जो उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या थे, विधान जो प्रांतीय संविधान जो थे राज्यों की समिति थी उसके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, और मौलिक अधिकार समिति के भी, ये समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, और उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, जो तीन शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, ये शब्द संविधान के किस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, 61, 42, 86वां और 102वां। इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जो 61वां संविधान संशोधन था इसमें क्या जो मतदान की आयु थी वो कर दी थी 21 से 18 कर दी थी, पहले 21 थी। ठीक है, 1989 में क्या हुआ था ये 61वां संविधान संशोधन, और उसके बाद आयु कितनी कर दी थी हमारी 18। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या निःशुल्क शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए क्या एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 21A, 21A जोड़ा गया किसमें, हमारे संविधान में। ठीक है, नया जो हमारा मौलिक अधिकार है 21A, ठीक है, ये जोड़ा गया कब, 86वें संविधान संशोधन, और 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, ओबीसी आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई थी किस, 102वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्य के बारे में पूछने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो सार्वजनिक पदों पर बैठे होते हैं
उनके कार्य के बारे में पूछने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? आपको पता होगा रिट 5 प्रकार के होते हैं, तो कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या प्रमादेश? जी, अधिकारियों के लिए पूछी जाती है वो जाती है प्रमादेश। ठीक है, उनके कार्यों के बारे में जो रिट डाली जाती है वो होती है प्रमादेश। अधिकार परीक्षा किसके लिए, अधिकार परीक्षा किसके लिए होती है? जब कोई क्या किसी की जगह के नौकरी पे चले जाते हैं, यानी कि आपका किसी ने मौलिक अधिकार, आपका किसी कहीं पे चयन हो गया है किसी संस्था में और आपकी जगह पे दूसरे बंदा वहां पे क्या हो गया, किसी ने शिफ्ट कर दिया है या लगा दिया है, तो आप क्या कोर्ट में रिट डालेंगे, तो वो क्या होता है अधिकार परीक्षा, क्योंकि उस सीट पे क्या था आपका अधिकार था। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। ठीक है, अगला है, मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे भाग कितने में आते हैं, आपके भाग आते हैं ये 4A में, एक नया भाग बनाया गया 4A। ठीक है, उसको किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने, 11। ठीक है, पहले 10 थे, इसमें फिर एक ऐड और ऐड किया गया, 11 हो गए, तो वो किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया है? तो वो किए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति 1976, स्वर्ण सिंह समिति 1976 के कहने पे ये क्या हमारे संविधान में शामिल किए गए, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, जो हमारे क्या हैं मूल कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर क्या रखा गया है संविधान में। अशोक मेहता समिति किससे रिलेटेड? ये पंचायती राज से रिलेटेड थी, पंचायती राज से रिलेटेड। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है, ये भी पंचायती राज से रिलेटेड। साकरिया आयोग, साकरिया आयोग किससे संबंधित? ये 1983 में गठित की गई थी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आपकी साकरिया आयोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का स्वर्ण सिंह समिति। 21वां, निम्न में से किस अनुच्छेद में को विधि का शासन किया गया, कहा गया है? किस अनुच्छेद को विधि का शासन कहा गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो ये आपको अनुच्छेद 14 को कहा गया है, जो हम जिसमें हमारा मौलिक अधिकार आता है, समता के अधिकार उसको। ठीक है, विधि का शासन। राष्ट्रपति की वीटो पावर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 111, 123, 72 या 61? इसका आंसर हो जाएगा 111। राष्ट्रपति की 3 वीटो पावर होती है, ठीक है, वो 111 के अंतर्गत आती है। 113 में राष्ट्रपति कौन सी पावर होती है, कौन सी शक्ति होती है राष्ट्रपति की? अध्यादेश जारी करने की। जब राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तब अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। आपने 113, 123 अनुच्छेद में लिखा गया है, वो शक्ति को यूज कर सकता है अध्यादेश जारी करने की। 72, 72 में क्या, क्षमादान, किसी का क्या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी की क्या सजा का क्षमादान कर सकता है, वो आर्टिकल 72 में। और आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति पे महायोग का कब लगाया, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, वो लगाया जाता है इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए तारीख कौन तय करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष की चुनाव के लिए तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग? ठीक है, इसके लिए जो चुनाव के लिए तारीख फिक्स करता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या, लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख क्या करता है, तय करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख तय करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष बनाना होता है तो उसकी चुनाव की तारीख फिक्स करता कौन, राष्ट्रपति, और लोकसभा उपाध्यक्ष कौन करता, खुद लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी की तारीख फिक्स नहीं करता, चुनाव आयोग किसकी तारीखें फिक्स करता है, देश में लोकसभा और विधानसभा की जो चुनाव होते हैं उसे, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसके। ठीक है, चुनाव आयोग का काम देश के वही है, 4 चुनावों का। ठीक है, लोकसभा, आपका विधानसभा, फिर आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, इन इन 4 के चुनाव को कौन देखता है, आपका चुनाव आयोग। ठीक है, देश का चुनाव आयोग। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है आपका बजट, जो हमारा बजट होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 111, 112, 117 या 93? तो देखो 111 में तो राष्ट्रपति की वीटो पावर है, तो संसद में जो बजट का उल्लेख है वो 112, अनुच्छेद 112 में किया गया है।
117 में क्या है, 117 में आपको बताया गया है वित्त विधेयक, 117 में आपको क्या बताया गया है वित्त विधेयक, इसमें आता है अनुच्छेद 117 विधेयक। 93 में क्या आता है आपका लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, किस जो शक्तियां और जो एक स्थान होता है लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए क्या संसद का क्या कौन सा आर्टिकल है 93, ठीक है, सॉरी संविधान। अगला है लोक लेखा समिति का गठन पहली बार कब किया गया, लोक लेखा समिति का गठन पहली बार कब किया गया, 1921, 1950, 1935 या 1947, ठीक है, जो लोक लेखा समिति है उसका गठन किया गया था पहली बार 1921 में, प्राकलन समिति का गठन भी 1921 में किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे भेजता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे भेजता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, वो अपना इस्तीफा किसको भेजता है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भेजेगा या राज्यपाल को भेजेगा ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ये उच्चतम होना था यहाँ पर, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट होगा तो उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट और ये उच्च न्यायालय क्या है हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये अपना इस्तीफा किसको भेजेगा, तो ये भेजेगा अपना इस्तीफा किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा भेजेगा। अगला है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो इसको जो शपथ दिलाता है कौन, राज्य के राज्यपाल को, वो दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर मुख्य भी लिख दो, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको शपथ दिलाता है, उच्च किसको, राष्ट्रपति को, और राज्यपाल को कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था में बदलने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, जब पंचायती राज के लिए समितियां बन रही थी तो किस समिति ने ये कहा था कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होने की जगह द्विस्तरीय हो, त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा ग्राम पंचायत, फिर आपका क्षेत्र पंचायत, फिर आपका जिला पंचायत, तो ये तीन स्तर हो गए, लेकिन किस समिति ने कहा था कि इसको दो स्तर पर रखना चाहिए, जिला और क्षेत्र के स्तर पर रखना चाहिए, वो कहा था आपके अशोक मेहता समिति ने, ठीक है, वो किसने कहा था आपके अशोक मेहता समिति ने, बाकी ये चार जो समिति रिलेटेड है किससे, पंचायती राज व्यवस्था, तो इन चारों समिति को आप क्या ध्यान में रखें, कभी कभी पूछ देता है कि पंचायती राज समिति के लिए कौन कौन सी समितियाँ थी, तो ये चारों समितियाँ थी, ठीक है, तो जो अशोक मेहता समिति थी इन्होंने इसको क्या कहा दो स्तर पे, बाकी ने क्या क्या कहा था तीन स्तर पे, ठीक है, इन दोनों ने क्या कहा था इसको क्या मिलना चाहिए संवैधानिक दर्जा, तीन स्तरीय समिति के लिए संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए किसको, पंचायती राज के लिए, एल एम सिंधवी समिति और थुंगुन समिति ने, ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ था 73 संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, 93 में, तो उसके बाद क्या हुआ था इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था किसको, पंचायती राज को, तो इस किसकी समिति ने इसकी सिफारिश की थी, एल एम सिंधवी और थुंगुन, अशोक मेहता समिति ने इसको द्विस्तरीय बनाने के लिए बात करी थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन विधेयक में घोषित किया है, जो हमारा दिल्ली है जो हमारी राजधानी है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर बोलते हैं ना दिल्ली को, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, उसको संविधान के किस संशोधन के द्वारा घोषित किया गया है, 69, 73, 91 या 52, तो इसको 69 संविधान संशोधन के तहत एनसीआर को क्या दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। यात्रा संविधान संशोधन किसके लिए है, अभी मैंने बताया पंचायती राज के लिए। 91वां संविधान संशोधन किसके लिए है, जो 91वां संविधान संशोधन वो आपका क्या चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मंत्रियों की संख्या सरकार में कम से मैक्सिमम कितनी होगी, 15% से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम जो मंत्री हो सकते हैं किसी भी सरकार में वो उस सरकार उस राज्य के या देश के क्या लोकसभा, या अगर हमको केंद्र सरकार में मंत्री रखने हैं तो जो लोकसभा की जितने सीटें हैं उसकी जो 15% सीटें हैं, माने कि अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं इसका जो 15% है
ठीक है, उसके बराबर मंत्री हो सकते सिर्फ देश की सरकार में, ठीक है। ऐसे यही फॉर्मूला राज्य के लिए लागू होता है। 52वां संविधान संशोधन में क्या था, 52वां संविधान संशोधन में क्या आपका दल बदल कानून के लिए क्या 10वीं सूची बनाई गई थी, जो 10वीं शेड्यूल है या 10वीं अनुसूची है उसे बनाया गया था। ये किसके लिए है, 52वां संविधान संशोधन किसके लिए था, दल बदल कानून। यानी कि पहले क्या होता था, लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते थे, अब उसके एंटी डिफेक्शन लॉ बना लिया है और वो 52वां संविधान संशोधन के। संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, संसद में जो दोबारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके लिए अधिनियम कब पारित हुआ, 1956, 1950, 1951, 1955। तो उसके लिए जो अधिनियम पारित हुआ वो था आपका कौन, 1956 का अधिनियम, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इन चारों राज्य में कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, तो वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा किससे सीमा नहीं बनाता है आपका, म्यांमार से, ठीक है, ये बांग्लादेश से बनाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी, आर्यकोंडा, अनाईमुड़ी या महेंद्रगिरी। जो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन है, नीलगिरी, आर्यकोंडा, अन्नामुड़ा या महेंद्रगिरी। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आर्यकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सेकंड नंबर पे ये है आर्यकोंडा। ये पूर्वी घाट की है सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1680 मीटर, ठीक। अन्नामुड़ी किसकी चोटी है सबसे ऊंची, पश्चिमी घाट की, ये किसकी है, पश्चिमी घाट की होने के साथ साथ ये प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की, ठीक है, प्रायद्वीप भारत की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 2695 मीटर, 2695 मीटर, ठीक है। महेंद्रगिरी क्या पूर्वी घाट की सेकंड नंबर की ऊंची चोटी है। नीलगिरी क्या है, नीलगिरी क्या करता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ना है, ठीक है, ये आपका क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाले क्या पर्वत श्रेणी नीलगिरी की, आपका हो गया पश्चिमी घाट जो भारत के नीचे प्रायद्वीप भारत में, और यहाँ से आपके तमिलनाडु से ऊपर हो गया ये पूर्वी घाट, यहाँ इस बीच में यहाँ पे कौन सा है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, वह है नीलगिरी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। किस मानसून के द्वारा कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो पहले आपको बता दूं कोरोमंडल तट है क्या, कोरोमंडल तट है आपका तमिलनाडु वाला, ठीक है। तो उस तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, चेन्नई वाला जो तट है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, काल बैसाखी, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो ये क्या, उत्तर पूर्वी मानसून, जो नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसके द्वारा क्या बारिश होती कहाँ पे, कोरोमंडल तट। देखो ये जैसे इंडिया है, इसका जो प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, ये आपका क्या है ये आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ मालाबार तट है, कोंकण तट है, और इस साइड कौन सा है आपका, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये आपका कौन सा तट है यहाँ पे, कोरोमंडल तट। तो इसमें जो बारिश होती है, जब मानसून क्या आता है वापस लौटता है, ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ ऐसे आता है, ये इस कोरोमंडल तट पे क्या करता है, बारिश करता है। तो ये मानसून देखो, ये कौन सा मानसून है, ये किस दिशा में, देखो ये ऐसे को आ रहा है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है आपकी कौन सी, उत्तर, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व, ये ऐसी दिशा में आ रहा है ना, उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। अरब सागर से मानसून ऐसे ऊपर उठता है, तो जो पश्चिमी घाट है और हिमालय में मानसून होती है वो कौन सी, वो आपकी होती है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। ये कहाँ बारिश करता है आपका, मालाबार और कोंकण तट पे, कोंकण तट पे बारिश किस अरब सागर से उठता है, तो वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व मानसून कोरोमंडल तट के। भारत की जलवायु कैसी मानी जाती है, जो भारत की जलवायु है वो कैसी मानी जाती है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, उपोष्ण या शीत शीतोष्ण। तो जो भारत की जलवायु मानी जाती है वो मानी जाती है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस किस राज्य में, जनपद नहीं राज्य होगा, ठीक है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, जो सिमलीपाल बायो रिजर्व एरिया है वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या छत्तीसगढ़।
जो सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो आपका उड़ीसा राज्य में, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या क्या है? मध्य प्रदेश में दो हैं जैव मंडल आरक्षित, एक पन्ना है और दूसरा है पंचमणी। पन्ना और पंचमणी कहाँ है आपके मध्य प्रदेश में। केरल में कौन सा आपका? अगस्त्य मलाई। केरल में आपका अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में आपका कौन है? अचना कमाट अमरकंटक, और दूसरा कौन है? सोचाचलम किस में है आपका? छत्तीसगढ़ में। ये दो जैव मंडल आरक्षित, अमरकंटक और सोचाचलम आपके छत्तीसगढ़ में, केरल में अगस्त्य मलाई, मध्य प्रदेश में आपका पन्ना और पंचमणि, और जो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वूलर, शांबर, चिल्का या पुलकित? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए सांबर, सॉरी वूलर, सांबर, चिल्का या पुलकित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वूलर झील। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा? वूलर झील, ठीक है। तो जे एंड के में है आपका वूलर झील। सांबर झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, ठीक है, ये आपके राजस्थान में। चिल्का झील क्या? भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील आपके कौन है? चिल्का झील, ठीक है। अब अगला है आपका, ये जो पुलकित झील है इसमें क्या है? इसरो का क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष जो सेंटर है आपका, ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर इसरो का कहाँ है? ये पुलकित झील में। यहीं से वो अपने रॉकेट वगैरह क्या करते हैं? इसरो उड़ाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? हेनरी लॉरेंस द्वीप, ठीक है। दूसरा है आपका तारमुगली द्वीप, ठीक है। कटलैंड द्वीप, कटलैंड होगा, ठीक है। एंड्रोट द्वीप। निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? तो लॉरेंस द्वीप भी अंडमान, हेनरी लॉरेंस अंडमान का है, कटलैंड भी अंडमान का है, तारमुगली ये भी अंडमान निकोबार का है, एंड्रोट द्वीप ये आपका किसका? लक्षद्वीप का है। एंड्रोट द्वीप किस में आता है? लक्षद्वीप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप, ठीक है। मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल, नर्मदा, कावेरी या महानदी? मैटूर बांध, इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे एक और बांध है शिव समुद्रम बांध, ये एक द्वीप भी है नदी का बनाया, कावेरी नदी का बांध बनाया हुआ द्वीप शिव समुद्रम द्वीप, यहाँ पर बांध भी बनाया गया है शिव समुद्रम बांध, ठीक है। चंबल, चंबल पर कौन सा है? गांधी सरोवर आपका किस पे? चंबल पे। चंबल पर कौन सा है? गांधी सरोवर, ठीक है। नर्मदा पे सरदार सरोवर है, नर्मदा पे कौन है? सरदार सरोवर। और महानदी पे आपका क्या प्रसिद्ध क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी पे, ठीक है। अगला है आपका कोपेन, कोपेन ने क्या की थी भारतीय जलवायु की क्या कहा था? विभाजन किया था, ठीक। कोपेन ने कोंकण व मालाबार तट के लिए जलवायु वर्गीकरण में कौन से शब्द प्रयुक्त किए हैं? कोपेन ने मालाबार व कोंकण तट के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए हैं? पहला ऑप्शन है ए एस, दूसरा है ए डब्ल्यू, तीसरा है ए एम डब्ल्यू और चौथा है डी एफ सी। तो जो कोपेन ने जिसने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया था उसने कोंकण और मालाबार तट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो उसने कोंकण और मालाबार तट के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया था वो है ए एम डब्ल्यू, ठीक है। जो ए एस उसने प्रयुक्त किया था वो किसके लिए किया था? कोरोमंडल तट के लिए, ठीक है, कोरोमंडल तट के लिए। ए डब्ल्यू किसके लिए प्रयुक्त किया था? उसने प्रायद्वीप भारत, जो भारत प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका प्रायद्वीप पठार वाला क्षेत्र आता है, वो किसके लिए किया जाता है इसने? ए डब्ल्यू। ए एम डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया किसके लिए? मालाबार तट के लिए, ठीक
है। और DFC इसने किया था पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम। सी जी इसने प्रयुक्त किया था जो सेंट्रल मध्य भारत के क्या है वहां के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 40वां। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत में कौन सा राज्य है? वो कौन सा राज्य है जो मैग्नीज क्या उत्पादन सबसे ज्यादा करता है भारत में? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। ठीक है, ये ऑप्शन एक गलत छप गया है। ये जिप्सम कौन करता है सबसे ज्यादा? राजस्थान करता है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन किसे करता है? तो जो ये मैंगनीज का उत्पादन करते हैं उड़ीसा सबसे ज्यादा करता है, किसमें? भारत में। ठीक है, कर्नाटक क्या करता है? कर्नाटक लोह अयस्क। कर्नाटक क्या उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? लोह अयस्क का। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसका? तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में। तांबे का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा कौन है? मध्य प्रदेश में होता है। उड़ीसा एक चीज का और करता है, वो करता है किसका? मैग्नेशाइट का। ठीक है, सॉरी, बॉक्साइट का। उड़ीसा किसका करता है? बॉक्साइट का भी सर्वाधिक ज्यादा उत्पादन करता है, किसके साथ? मैग्नीज के साथ साथ बॉक्साइट का भी उत्पादन करता है। और राजस्थान क्या करता है? जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ये आप ये भी ये डेटा याद रख सकते हो। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, अंडा व मुर्गी उत्पादन, प्याज व फल व बागनी। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति संबंधित है फल और बागानी बागवानी से। ठीक है, तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तिलहन से संबंधित आपकी पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। किससे? तिलहन से। अंडा व मुर्गी उत्पादन के लिए आपकी रजत क्रांति है। प्याज के लिए आपकी कौन सी है? गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा इसके लिए कौन सी? गुलाबी क्रांति। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। जो एंडीज पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप में है? वो आपकी है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, एंडीज कहाँ है आपकी? दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में क्या आपका? रॉकीज माउंटेन, रॉकीज पर्वतमाला, जो सबसे चौड़ी पर्वतमाला है वो कहाँ है विश्व की? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कृष्णा प्रायद्वीप भारत की नदी है, इसकी सहायक नदी निम्न में से ऑप्शन में से कौन सी है? ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदी निम्न में से कौन सी? कोयना। कृष्णा की जो अन्य सहायक नदी वह है भीमा, ठीक है, घाट प्रभा, मूसी। ठीक है, मूसी, ये सारी नदियां किसकी सहायक हैं आपकी? कृष्णा की। अमरावती, अमरावती किसकी सहायक नदी है? अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। तवा, तवा नर्मदा की है। ठीक है, हेरागी, हेरागी किसकी? कावेरी की। हेरागी भी किसकी है? कावेरी की सहायक नदी है हेरागी। ठीक है, और कावेरी की और जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी है? सिमसा और भवानी। सिमसा और भवानी ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी कावेरी की सहायक नदी है। तो जो कृष्णा की सहायक नदी इस ऑप्शन में उसका आंसर हो जाएगा ए वाला, कोई ना। 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 44वां क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से, मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से, अंडमान को निकोबार से, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से, या केचल द्वीप को लिटिल निकोबार द्वीप से। जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है? ये अलग करता है मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से। ठीक है, जो मिनिकॉय द्वीप है सबसे नीचे है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है? इसको करता है प्राइस चैनल। लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है कौन? प्राइस चैनल। अंडमान से निकोबार को अलग कौन करता है? अंडमान से निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। केचल द्वीप को लिटिल निकोबार से अलग कौन करता है? ठीक है, केचल द्वीप को लिटिल निकोबार से अलग करता है सोमवेरु चैनल। ठीक है, सोमवेरु चैनल अलग करता है किसको? केचल द्वीप को लिटिल निकोबार से। एक क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल,
8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप समूह को अलग करता है कौन? मालदीप से। ठीक है, 8 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में है। जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप समूह में जो सबसे नीचे द्वीप है वो कौन सा? मिनिकॉय द्वीप, वो है आपका यहाँ पे। और उसके बाद कौन सा नीचे लग जाता है? मालदीप लग जाता है। ठीक है, दूसरा देश। तो इसको अलग कौन करता है, लक्षद्वीप और मालदीप को? 8 डिग्री चैनल। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में उस स्थित है? असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या मेघालय? तो नामेरी कहाँ है आपका? असम है। राजस्थान में वो आपका कौन है? केवला देव। राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है? केवला देव नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? नेओरा। पश्चिम बंगाल में आपका नेओरा नेशनल पार्क है। मेघालय में कौन है? वाल पाखरम, वाल पाखरम नेशनल पार्क आपका कौन है? मेघालय में। दूसरा यहाँ पे नोक नेरा, मेघालय में दूसरा कौन है? नोक नोक नेरा नेशनल पार्क भी कहाँ है? यहीं पे नोक रेखा, सॉरी नोक रेखा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? मेघालय में। किस पंचवर्षीय योजना, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? चतुर्थ, पंचम, तीसरी या सातवीं? जो पंचवर्षीय योजना थी किसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन थी आपका था। पांचवी, पांचवी और छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? गरीबी उन्मूलन। चौथी मुख्य जो चौथी पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था आपका क्या? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तीसरी का क्या था आपका? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी आत्मनिर्भर, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। सातवीं का क्या था? उत्पादन व रोजगार, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना, ये क्या था सातवीं का। और पांचवी छठी का क्या था? गरीबी उन्मूलन। कच्चे तेल के निष्कर्षण की अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में आता है? जिसमें हम कच्चा तेल का निष्कर्षण करते हैं वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? कच्चे तेल के निष्कर्षण को, ये नहीं होना था यहाँ पे, को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो कच्चा तेल का जो निष्कर्षण होता है वो आता है कौन सा आपके? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे तेल के निष्कर्षण के अलावा क्या आता है? कृषि भी आता है और उत्खनन भी आता है, उत्खनन। ठीक है, जब हम खनन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण, विनिर्माण यानी कि हम जब कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या आती है द्वितीयक क्षेत्र में? उद्योग, उद्योग और विनिर्माण अपना द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? सर्विस, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सर्विस किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन भी इसी में आता है। यही तो सर्विस सेवाएं यही तो होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, ये सारे किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं भारत में, जिसमें प्रथम में कृषि, उत्खनन और तेल का निष्कर्षण, कच्चे तेल का। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग। तृतीयक क्षेत्र में आपका सर्विस, सेवा क्षेत्र, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिसमें आता है शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन। ठीक है, हाल में ही, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ग्राम वन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? तो ग्राम वन कार्यक्रम शुरू किया आपका कर्नाटका राज्य ने। ठीक है, भारत का हाल में ही पहला पेपरलेस न्यायालय बना है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत का जो पहला पेपरलेस यानी कि बिना कागजात के वहाँ क्या होता है? काम होता है, सब डिजिटली काम होता है, वो कौन सा है? केरल का, केरल हाईकोर्ट क्या बन गया है? पेपरलेस न्यायालय बन गया। और अंतिम क्वेश्चन है, ये भी आपका इकोनॉमी का है, रेपो रेट से क्या आशा है? रेपो रेट से आप क्या समझते हैं? रेपो रेट से, ठीक है, जिस दर पर बैंक ग्राहक को लोन देता है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से लोन लेता है और जिस दर पर बैंक उद्योगपति को लोन देता है। तो ये जो रेपो रेट होता है ये क्या होता है कि जिस दर पर जो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अन्य बैंकों को लोन देता है वो कहलाती है आपकी कौन सी? रेपो रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व रेपो रेट होता है आपका जिस दर पे आरबीआई वाणिज्य बैंकों से लोन लेता है। आरबीआई भी क्या करता है? बैंकों से लोन लेता है, वो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, तो ये था आपका जीएस के 50 क्वेश्चन। तो
तो ऐसे ही आप बने रहे अपब्राइट एजुकेशन को। हमारे चैनल को अगर नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपको जो भी कहना आप कमेंट में कह सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसका जो लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, नहीं तो हमारा जो अबाउट है चैनल का और वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको हमारा ये चैनल का क्या हो जाएगा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे ही जुड़े रहे अपब्राइट एजुकेशन के साथ। आगे भी हम जीएस के हो चाहे कोई भी पेपर आपका आता है उसके के हम एमसीक्यूज और जो टॉपिक वाइज जो सीरीज आपकी चल रही है उसको हम क्या करते हैं जारी रखते रहेंगे। आपका हमको चाहिए सपोर्ट, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए हम आपको ऐसी वीडियो लेते रहेंगे हमेशा, ठीक है। और हमारा डीएलएड का क्या क्रैश कोर्स चल ही रहा है, उसे भी आप क्या ज्वाइन कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपके डीएलएड में देखने को मिल सकते हैं।